एक लड़की का सपना होता है, आई गेस मुझे से लगता है एक लड़की ये सोचती है कि कभी ना कभी वो ब्राइडल लुक में होगी। एक्चुअली इनका ना एक अफेयर चल रहा था एक लड़की के साथ जिसका जात थोड़ा बड़ा था ना, तो इन लोगों को सब लोगों को पत्थर से मार मार के और खोला में फेंक के मारा गया था। किसने बनाया गाइस, कहानी है कि मैंने आप लोगों को बताया था हम लोग दिल भैया के घर जा रहे हैं एंड अभी हम लोग दिल भैया के घर हैं। दिल भैया विद अस एंड मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर आकर के हमें इतना अच्छा लगा है ना। फिलहाल अभी आज का प्लान ये गाइस, आप लोगों को पता है कुछ ही दिन में हमारी ZX9R आने वाली है, तो उसके लिए नए हेलमेट की बहुत ज्यादा जरूरत है। एंड मैं आपको बताता हूँ गाइस, इंडिया में ना AGV अवेलेबल ही नहीं है, लगभग 1.5 महीने का वेटिंग पीरियड है लाइक देहरादून में, और बाकी शहर्स का मेरे को नहीं पता एंड ऑलमोस्ट बाकी वाले शहर्स में भी लॉकडाउन लग चुका है, तो वो इम्पोर्ट कराना थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो द थिंग इज, मैं आज नेपाल से अपने लिए एक AGV हेलमेट लेने वाला हूँ, साथ ही साथ I've got a surprise for you and Samya. तो दिल ने हमें बोला कि he has got a surprise for us. I don't know क्या सरप्राइज होगा, वो जाके मालूम पड़ेगा वहाँ पे। ओके एंड आप लोगों के लिए भी सरप्राइज होगा बड़ा। तो यार फिलहाल अभी हम लोग निकल रहे हैं दाई के बुटीक में एंड उसके बाद हम लोग AGV हेलमेट लेने जाएंगे। फिलहाल इनका सरप्राइज देखते हैं क्या है, उसके बाद AGV वाला सरप्राइज। तो गाइस द थिंग इज, काठमांडू में कल से लॉकडाउन लग जाएगा, टुडे इज 15 इन नेपाली। नेपाल में ना 7 स्टेट है एंड उन 7 स्टेट्स में से ऑलमोस्ट 4-5 स्टेट्स में ऑलरेडी लॉकडाउन लग चुका है, तो अब बहुत ज़्यादा दिक्कत हो चुकी है। इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी आई डोंट थिंक सो कल के बाद चल रही होंगी, तो अब घर जाने का भी इशू है, लेकिन देखते हैं क्या प्लान बनेगा। एक्चुअली जो हमारा इलम जाने का प्लान था वो तो अब ऑलमोस्ट कैंसिल ही हो चुका है। इलम जिन स्टेट से होते हुए हमें जाना था वो लॉकडाउन में एंड कोविड का सिचुएशन धीरे धीरे यहाँ पर भी बढ़ रहा है, तो हम नहीं चाहते यार यू नो हम लोग लाइक कोविड के सिचुएशन में बाहर ज़्यादा घूमें। हम लोगों ने सोचा था कि चीज़ें बहुत स्मूथ चल रही होंगी नेपाल में, तो कल से तो काठमांडू में लॉकडाउन लग जाएगा, तो कल हमें देखना पड़ेगा कि हम लोग कहाँ जाएंगे। शायद या तो हम लोग इलाम दूसरे रास्ते से निकलेंगे, या फिर हम लोग पोखरा जाएंगे, या फिर शायद कल मैं इंडिया के लिए वापस निकल जाऊँ, क्योंकि मैंने अपने दोस्त को बोला है फ्लाइट करवाने के लिए, क्योंकि अभी तो शायद इंटरनेशनल फ्लाइट चल रही हैं, बट अगर 1-1.5 हफ्ते बाद इंटरनेशनल फ्लाइट्स नहीं चली तो फिर मेरे लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो मैं सोच रहा हूँ यार मैं कल सुबह घर ही निकल जाऊँ। गोरी बनाई है ना? क्या बनाई है? गोरी। वो गोरी आ तो अभी भी कितना गोरी? ये ऐसी तो नहीं आ रहा है ना? कपड़ा लगना क्या? ओके गाइस, अभी हम सिलाई बुटीक में आ गए। हेलो दाई। हेलो। हेयर इज मेनका दी विद अस। मेनका दी, मैंने हेलो चिकन आपका खाया था, एकदम मस्त चिकन खाया था, मस्त। इसको भी सिखा दो दीदी कुछ, शादी के बाद चाउचा ही खिलाएगी। मुझे आता है खाना बनाना। नेपाल नेपाल का फेमस चाउमीन मोमो खाएंगे, नेपाल में रह जाएंगे, ठीक है? चाउमीन मोमो पसंद नहीं है, अच्छा है पर इनका तो नहीं है। और ये तो इसका सुबह चाउचा शाम को चाउचा। मैं तो मोमोज तो 100 प्लेट भी खा सकती हूँ। तो यार अभी हम लोग आ रहे थे शॉप पर एंड मैं बताता हूँ दिल भाई ने सरप्राइज क्या रखा है। एक्चुअली दिल भाई, व्हाट इज द सरप्राइज? सव्या जब भी शादी करेगी उसका लहंगा हमारी तरफ से होगा, तो दिस इज द सरप्राइज फ्रॉम मी एंड फ्रॉम मेनका और जैसी आती है आपको दिखाते हैं कैसी लग रही है। किसने बनाया कुछ बयां, मिल जाऊंगा तुझसे फिर उन किताबों में हो जहां जिक्र तेरा। तो बॉयज मुझे पता है आप किस चीज का वेट कर रहे थे, जस्ट लुक एट हर। कसम कसम बीबी, मैंने सोचा नहीं था आप इतने सुंदर, घूम के दिखाओ एक बारी, आप इतने सुंदर लग रहे हो ना, कसम मैंने सोचा नहीं था आप इतने सुंदर लगोगे करके कभी। थैंक यू सो मच दीदी दाई फॉर दिस, बहुत पसंद आया मुझे ये, है ना? ओ, तो सभ्य किसी कब कर रहे हैं आप शादी? फिर सोचना पड़ेगा तब, मुझे
दो करोड़ दहेज मिलेगा। आप हमेशा यही बोलते हैं ना। क्या क्या, मैं तो जोक में बोलता हूँ कि दहेज मांग रहा हूँ। मैं आपसे सही में दहेज मांगूंगा क्या? वो पोखरा का प्लॉट का क्या हुआ? पोखरा का प्लॉट है हमारे पास। मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई। एंड गाइस, मैंने कभी सोचा नहीं था कि यू नो लाइक शादी वाले लहंगे में इतनी ज्यादा सुंदर लगेगी कभी। है मतलब एक लड़की सबसे ज्यादा सुंदर उसके शादी वाले दिन ही लगती है। वैसे आप रोज सुंदर लगते हो, बट ये वाले गेटअप कसम कसम सब। मगर अभी ऑडियंस को बहुत वेटिंग हो रहा है तुम दोनों को एक साथ, मतलब ब्राइडल लहंगा और ये तो ब्राइडल मैं एकदम ग्रूम 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 वो पगड़ी, ये तो यही पहन के आएंगे, कुछ फर्क नहीं पड़ता। और मुझे ये लगता है ये इनकी शादी में ना बहुत लेट आएंगे। किरे, एक लड़की का सपना होता है आई गेस, मुझे से लगता है एक लड़की ये सोचती है कि कभी ना कभी वो ब्राइडल लुक में होगी। एंड आपका पूरा हो गया। थैंक यू, आई लव यू, आई लव यू। तो गाइस, सब किसी को एक लहंगा क्या ट्राई करा है? ये तो शॉप में आकर के हर दूसरा तीसरा लहंगा ट्राई कर रही है। बेबी सब कुछ पैक करा ले, मुझे ये बहुत पसंद आया। कसम, हाँ जी। ओ, मेरे को तो रेड पे, आप रेड में बहुत अच्छे दिखते हो। फिर हम एंगेजमेंट में भी रेड ही पहनेंगे। किसकी एंगेजमेंट? मुझे गुस्सा आ गया। गाइस कमेंट सेक्शन में जाके बताना कैसी लग रही थी और कौन सुंदर है, मैं कि बाबू भैया, ये भी बताइए। हमारा आप भी सुंदर हो। ये ना अभी ब्लॉग में ही बोल रहे हैं कि आप सुंदर हो। ये क्या बोलते, आप इतनी बुरी हो, इतनी बुरी दिखती हो बोलते। मैं बोलता हूँ आप मेरी बूढ़ी दिखती हो, सुना है काम देता है। यार सीन ये कि सव्या को तो अपनी शादी के लिए लहंगा मिल चुका है, अब मेरी भी दुल्हन, मेरी दूसरी दुल्हन ZX है ना बेबी, गलती आपकी होती है ना दाई, किसकी गलती है बोल। सीरियसली तुम लोग लड़ते रहो, हम लोग को अच्छा लगता है ऐसा। हारने पॉइंट में आए ना तो वो दो तीन महीने पहले का बात। एक चीज बहुत अच्छी सभ्या की, सभ्या गुस्सा जैसी होती है ना, बोलती है मैं गुस्सा होगी। रोती है तो ना हंस हंस के बोलती है मैं रो रही हूँ। गाइस एक्चुअली यू नो हमारा रिलेशन इतना स्मूथ चल रहा है एंड हम लोग हमेशा ऐसे रहना चाहते हैं। हमारी झगड़ा नहीं होता ना, लेकिन है ना होता है, ये झगड़ा करते हैं फिर बोलते हैं आपकी गलती है। और कैसे मनाते थे पता है? बेबी आपका खाना खाना नहीं है, मैंने बोला नहीं तो मत खाओ तुम। तो इस वीडियो आगे बढ़ाने से पहले मैं आप लोगों को एक गुड न्यूज देना चाहता हूँ। मैं अपनी जिंदगी की दूसरी सुपर बाइक खरीदने वाला हूँ और मुझे पता है आप लोगों को बहुत ज्यादा शौक होता होगा कि बाबू भैया पैसा कहाँ से आ रहा है। गाइस लेट मी जस्ट टेल यू अबाउट एन ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बायनमो। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप ऑनलाइन ट्रेड करके यू कैन अर्न अ लॉट ऑफ मनी एंड मैं आपको सिखाता भी हूँ कि आप ऑनलाइन ट्रेड कैसे कर सकते हैं इस प्लेटफॉर्म पे। तो गाइस हियर इज माय बायनमो प्रोफाइल और यहाँ पर आप एक ग्राफ देख सकते हैं जो कि ऊपर नीचे जा रहा है और मेरे ऊपर दो अकाउंट है, पहला रियल अकाउंट और दूसरा डेमो अकाउंट। बेसिकली मैं अपने डेमो अकाउंट से प्रैक्टिस कर सकता हूँ। आप लोग बेसिकली ग्राफ देख रहे होंगे जो ऊपर नीचे जा रहे हैं, तो मैं अपने रियल अकाउंट से गाइस 7,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट करने वाला हूं और मुझे बेसिकली इन्वेस्टमेंट इस हिसाब से लगानी है कि ग्राफ ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। मेरी प्रिजम्पशन ये है गाइस कि ग्राफ नीचे जा रहा है तो मैंने नीचे की इन्वेस्टमेंट करी है, तो मैंने 7,000 रुपए इन्वेस्ट करे हैं गाइस और मुझे बस वेट करना है कि ग्राफ ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। सो गाइस मेरी इन्वेस्टमेंट बिल्कुल सही गई है, जो ग्राफ था वो नीचे गया। तो आप लोग देख सकते हैं गाइस मैंने 7,000 रुपए लगाए थे और मेरी इनकम हुई है 12,250 रुपए की। तो ये प्लेटफॉर्म कितना ज्यादा ईजी है यूज करने के लिए, प्लस आपको इस प्लेटफॉर्म 24/7 कस्टमर सपोर्ट मिल जाता है। तो फिर देरी किस बात की गाइस, फटाफट डिस्क्रिप्शन में चल जाओ, मैंने बायनेमो का डाउनलोड लिंक दिया होगा। अगर आप वहां से जाकर डाउनलोड और साइन अप करते हो तो आपको अपने फर्स्ट डिपॉजिट मिलते हैं $1,000 अपने डेमो अकाउंट में, जिससे आप बहुत सारी प्रैक्टिस कर सकते हो एंड आप परफेक्ट बन जाओगे एंड फिर आप अपने रियल अकाउंट में यू कैन अर्न अ लॉट ऑफ मनी। तो फिर देरी किस बात की गाइस, फटाफट बायनेमो में जाकर अपने आपको रजिस्टर करो और अमीर बन जाओ। सो गाइस हम लोगों की इतनी अच्छी किस्मत है ना, हम लोगों को जो होटल लोकेशन मिली है वो बहुत अंदर में है, तो हम लोग अंदर इजीली घूम सकते हैं। एंड पता है आपको अंदर ना बहुत सारी शॉप्स भी खुली हैं, लेकिन ये लॉकडाउन वाला एक्सपीरियंस भी ना बहुत अच्छा हो गया, हम लोगों को बहुत टाइम मिल गया ना एक दूसरे को समझने के लिए। तो है ना, अब ये यही रुकेंगे गाइस, ये तो इतना खुश हो रखी है ना मैं यहाँ पर रुका हुआ हूँ। बट एक्चुअली गाइस इंडिया में बहुत सारे काम पेंडिंग है। एक्चुअली आपको पता है ZX9R की डिलीवरी भी लेनी है, तो मैंने कल शोरूम फोन करके पूछा था एंड शोरूम वाले भैया ने बोला कि लॉकडाउन लग रहा है, तो एक्चुअली लॉजिस्टिक क्लियर करना पड़ता है हर बाइक का हर स्टेट से। तो मतलब लॉजिस्टिक क्या होता है बेबी, जब आप नई बाइक डिलीवर करते हो तो आपको जो बाइक है ना वो हर स्टेट से होकर के गुजरती है, मतलब टैक्स पे करना पड़ता है हर स्टेट को। तो कुछ स्टेट अलाउ कर रहे हैं और कुछ स्टेट अलाउ नहीं कर रहे गाइस, तो यू नो दैट इज द प्रॉब्लम। उम्मीद करो हमारी बाइक जल्दी आ जाए, अगर हम जल्दी लॉन्ग राइड चले, जब ZX9R आ जाएगी ना तो हम लोग उसमें पीछे वाली सीट भी लगाएंगे, फिर हम दोनों घूमने पे जाएंगे। गाइस एक्चुअली इस लॉकडाउन ने ना मतलब इंडिया में तो कहर मचाई रखा है, नेपाल में भी लाइक मेजोरिटी ऑफ द पीपल आर सफरिंग। बहुत सारे लोग जो
लोग दिन भर काम करके पैसे उठाते हैं ना, उन लोग को बहुत दिक्कत हो रही है। एग्जैक्टली और वो लोग बहुत रो रो के काठमांडू से वापस घर जा रहे थे ना। तो यार हम लोग पहुंच चुके हैं दिलदाई के, एंड दिलदाई अपना ब्लॉग एडिट करें। दिलदाई आप कौन सा वाला ब्लॉग एडिट करें? शादी वाला। गाइस ये वाला ब्लॉग आप ऑलरेडी चेक कर चुके हैं और दिलदाई का चैनल भी आप चेक कर सकते हैं। द थिंग इज गाइस अभी हम लोग खा रहे हैं खाना, एक्चुअली हम लोग बाहर खाना अवॉइड कर रहे हैं इस वाले सिचुएशन में, तो दिलदाई का बहुत बहुत शुक्रिया। एंड हियर इज आवर किचन गाइस, ये वाला किचन बैचलर्स वाला है। दीदी इसमें काई की दाल बन रही है, अरहर की दाल। एंड ये क्या था दीदी? ये भुजी। दिल लाइए घर में आकर के ये चीज अच्छी रहती है कि हम लोगों को एकदम घर वाला खाना मिलता है, एंड इसीलिए मेरा वेट 5 किलो और ज्यादा हो चुका है। सब बोलती रहती है कि 5 किलो वजन और बढ़ा लो, 5 किलो वजन और बढ़ा लो। नेपाल से जाने के बाद 5 किलो वजन बढ़ ही जाएगा मान। ओके गाइस, दीदी और दाई कहाँ जा रहे हैं आप लोग? हम लोग शॉप की तरफ जा रहे हैं अभी। हाँ। बुटीक के पास जाएंगे, देखेंगे क्या सीन है, बाहर अच्छा। का माहौल कैसा है पता नहीं अभी। और कुछ खरीद लेंगे, मेरे लिए भी कुछ लाना है। हाँ। और आपके बाबू भैया कहाँ गए? बाबू भैया इधर है। अभी हम कहाँ जा रहे हैं हम दोनों? तो अभी हम जा रहे हैं गाइस सव्या के हॉस्टल, सव्या को कुछ डॉक्यूमेंट लेने। उम्मीद करो रास्ते में पुलिस ना दिखे, और मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ बाहर जाने के लिए। लेट्स गो बेबी आई। ओ बल्ले बल्ले। ओ बल्ले बल्ले। तो यार फाइनली हम लोग बाहर निकल रहे हैं। एक्चुअली हम लोगों को सब्जियां भी लेने घर के लिए, लेकिन नेपाल में आप 5 to 8 आराम से बाहर निकल सकते हैं। मौसम एकदम रोमांटिक हो रहा है, भीगे बेबी, अगर बारिश होगी तो भीगेंगे। एंड गाइस उधर से ना पूरा बारिश वाला मौसम होने वाला है बेबी, आधा टाइम ना पक्का बारिश होगा। हाँ हम भीगेंगे। तो गाइस एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ, हम लोग बहुत ज्यादा खुश हैं कि हम लोगों को ये टाइम मिल गया लॉकडाउन में साथ में। मैंने कभी नहीं सोचा था कि हम लोग ऐसे कभी नेपाल एक्सप्लोर कर रहे होंगे पैदल चल के। दोनों ने आई ना, आई ना। हम तो हमेशा मतलब लॉन्ग टूर टाइप का ये वो टाइप का करते थे, बट ऐसा ये टाइम बहुत अच्छा है हम दोनों के लिए। साथ में हम लोग लाइक घूम फिर रहे हैं मस्त घर के लिए, सब्जी क्या गया मलाई को जिंदगी में। व्हाट इज दैट सॉन्ग बेबी? इसका मतलब होता है कि बाबू भैया बुरे इंसान है। वो? ला ला ला। अब देखिए गाइस आपके बाबू भैया को अब कुछ देर में हवा उड़ाई देगा। बेबी आंख में मिर्च आ रहा है। हम मेरा भी है, मास्क में ही मिर्च लगा है। मैं सोच रहा हूँ मेरे मास्क में ना मिर्च क्यों जा रहा है, इसने ना माड़ा के साथ रखा हुआ था और मेरी आंख में ना मिर्च जा रहा है। बेबी मैंने लेंसेज लगा रखे है। मेरे को ऐसा ना लाइक फैमिली वाला फीलिंग आ रहा है, जैसे हम लोग शाम को सब्जी लेने जा रहे हैं। हर का टेंशन है कि घर में शाम को क्या बनेगा, क्या क्या सब्जी लेंगे बेबी हम लोग? आपको कौन सी सब्जी पसंद है? मेरे को तो भिंडी। भिंडी हजूर, चिपले भिंडी, नेपाल में चिपले वेंटा बोलते हैं ना। तो गाइस अभी हम लोग आए नेपाल के SBI ATM में। एक्चुअली मुझे कुछ कैश निकालना था, मुझे पता नहीं मैं नेपाल में कितने दिन की स्टे लेने वाला हूँ, तो मैं यहाँ से कैश विड्रॉ कर रहा हूँ। एक्चुअली जब भी आप नेपाल के ATM से कैश विड्रॉ करेंगे तो आपको लाइक 300-400 रुपए का एडिशनल खर्चा पड़ेगा। और अमीर लोग कितने रुपए निकाल रहे अभी? 28,000। तो गाइस मैं आप लोगों को सच्ची बता रहा हूँ, मैंने आज से पहले कभी घर के लिए लाइक फ्रूट्स नहीं लिए, बट नाउ आई नो द प्राइसेस। इंडिया में गाइस आई गेस थोड़ा सा सस्ता या महंगा, आई डोंट नो, बट यहाँ पर फ्रूट्स थोड़े से महंगे। इंडिया में मतलब कितना महंगा हो जाता था इंडिया से आकर के? इंडिया से पता नहीं था, आम मिलता है 140 रुपए किलो। जब मैं ये देखती हूँ ना तो मुझे गूज बम्स आता है। एक्चुअली लास्ट ईयर ना बहुत दुखद घटना हुआ था हमारे नेपाल में, और ये नवराज बीका है जिनको मार दिया गया था कि उनके जात छोटे है। एक्चुअली इनका ना एक अफेयर चल रहा था एक लड़की के साथ जिसका जात थोड़ा बड़ा था ना, उनके गांव अलग था, इनके गांव अलग था, तो वो दोनों अफेयर में थे। और फिर क्या किया तो उनके गांव वाले सब ने इनके और 8-10 उनके दोस्त थे ना जो वो लड़की को मिलने जा रहे थे, लड़की ने बुलाया था हम शादी कर लेते हैं मुझे भगाने के लिए लेने आओ, तो इन लोगों को सब लोगों को पत्थर से मार के और खोला में फेंक के मरा गया था। तो यहाँ दलित लाइव्स मैटर मीन्स, और यहाँ पर भी है सब नेपाल में जिन जिन घटना हुआ दलित के ऊपर, तो यहाँ सब कुछ लिखा हुआ है। बहुत दुख लगता है ना ऐसे देखने में। कार्टून बेबी, आप कार्टून पैदा हुए थे ना?
आपसे ही सीखी है मैंने। नेपाल से मेरे को लोग दाई लोग ऐसे धमकी देते हैं। कल हमको एक दाई लोग मिले एंड वो दाई मेरे को क्या बोलते, धमकी, यू आर नेशनल विनाजो ऑफ नेपाल खाई। एंड ही वाज लाइक कि अगर आपने सव्या केसी का दिल तोड़ा तो हम आपकी हड्डियां तोड़ देंगे। कसम गाइस, लोग मेरे को ऐसा धमकी देते हैं, मेरे को डर लगता है कसम से। लड़ाई भी गाइस, ये लड़ाई कर दी रास्ते में। अरे कौन गुस्सा हो रहा था? एक चीज बताओ, हम सारे सामान की थैलियां लेके आ रहे थे। नो वो व्हाट, नो त्यो कुरा छोड़ दिनु, और टेक केयर तू छोड़ दिनु, और को कुरा, और को कुरा भी वही बुरा। पता गाइस, हम लोग सामान खरीद के लेके आ रहे थे, तुम्हारे पास चार थैलियां थी। त्यो वाला कुरा छोड़ दिनु, और को कुरा, नो नो वही कुरा, वही कुरा, वही कुरा गाइस। एंड व्हाट हैपेंड कि ये मलाई त्यो कुरा गर्ने, नो नो, ये सारी पॉलिथीन लेके लड़ रही है। पीछे ना इसने बैग टांग रखा है, हेलमेट टांग रखा है। हैन आपने क्या करा? ना बताओ बताओ, सोच लो। No, बताने के लोगों कुछ हाँ। बोल रहे हो ना? हाँ, बोलो बोलो। वो आप भाई नहीं बात, जब कुछ बोलने के लिए है नहीं तो नहीं बात तो करूंगी, है ना? बाय, गुड नाइट। ला ला ला, मैं भक्तापुर की बस पकड़ के जा रहा हूँ। सही सही, पता है ना अभी कहीं नहीं जा सकता हूँ तो इसलिए खुश हो रखी है ना।